हेलो बच्चों, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग शुरू करेंगे मोरल एजुकेशन। हम मुझे पता है आप लोगों को कहानियां सुनना बहुत पसंद है, तो ये जो है ये बुक आपको तरह तरह की कहानियां मिलेंगी इसमें, जिसमें आपको मोरल सीखने को मिलेगा, नैतिकता सीखने को मिलेगी, तरह तरह की अच्छी बातें सीखने को मिलेगी और हर कहानी में कुछ ना कुछ नया आपको जानने और सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 5 का मोरल एजुकेशन लेसन नंबर 1, हेल्पिंग अदर्स। आपके जो चैप्टर का नाम है, हेडिंग है हेल्पिंग अदर्स। ओनली टाइम इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूएबल लव इज। तो इसका जो सार है या इससे जो सीख है या मोरल है ये कहानी का, वो कह रहा है कि सिर्फ टाइम, समय जो है प्यार को, मोहब्बत को और उसके वैल्यू को, उसकी कीमत को समझ सकता है। तो आइए देखते हैं कि कहानी इस बात को कैसे समझाती है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए ब्यूटिफुल आईलैंड वेयर मेनी चार्मिंग फेरीज लिव्ड। एक समय की बात है कि एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड था, जजीरा था, टापू था, जिसमें तरह तरह की बहुत ही सुंदर खूबसूरत परियां रहती थी। देयर नेम्स वेयर हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज, टाइम, रिचनेस एंड ऑल ऑफ द अदर्स इंक्लूडिंग लव। तो यहां पे मैं अगर हिंदी बताऊंगा तो थोड़ा सा नाम का ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि कहानी ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। यहाँ पे जो है परियों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें एक का नाम हैप्पीनेस था, खुशी, सैडनेस उदासी, नॉलेज बुद्धि जानकारी, टाइम समय, रिचनेस धन एंड ऑल ऑफ द अदर्स, और इन सब के अलावा उसमें एक लव नाम की, मोहब्बत या प्यार नाम की भी परी रहती थी। दे वर लिविंग इन पीस एंड हारमोनी। वो एक साथ बहुत ही शांति और सुख से मिलजुल कर रहती थी। द आईलैंड वॉज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास, ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज एंड बर्ड फील विथ फ्रेग्रेंस ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। आइलैंड जो था वो पूरा हरा भरा था, सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज थी, तितलियां थी और बर्ड्स थे, सुंदर सुंदर चिड़िया, और फूलों की खुशबू हर तरफ से आती थी। वन डे द ओल्डेस्ट फेरी अनाउंस टू ऑल अदर फेरीज दैट द आइलैंड इज गोइंग टू सिंक इन नियर फ्यूचर। एक दिन जो सबसे पुरानी फेरी थी, या यूं कह लें कि जो उनकी रानी फेरी थी, परी थी, उसने ऐलान किया कि आइलैंड जो है बहुत जल्द डूबने वाला है, समुन्दर में डूबने वाला है। सून देयर वॉज ए पैनिक इन द इंटायर आइलैंड। तो तुरंत ही, बहुत ही ऐलान करते ही चारों तरफ डर का माहौल बन गया। दे ऑल कंस्ट्रक्टेड बोट्स एंड स्टार्टेड लिविंग वन बाय वन एक्सेप्ट फॉर लव। तो जितनी परियां थी सब अपने अपने लिए बोट बना ली, नाव बना ली और वहां से जाने की तैयारी करने लगी। सिर्फ एक लव थी, मोहब्बत थी, जो वहां से जाना नहीं चाहती थी या कोई तैयारी नहीं कर रही थी। लव वॉज द ओनली वन हू स्टेड बैक। लव वॉन्टेड टू वेट अंटिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट बिकॉज शी वॉज नॉट विलिंग टू लीव हर नेटिव लैंड। तो सिर्फ प्यार थी जो रुकी हुई थी, क्योंकि वो अपना जो पैतृक देश था, जगह थी, उसको वो छोड़ना नहीं चाहती थी। वो आखिरी समय तक इंतजार करना चाहती थी कि हो सकता है कि ये टापू नहीं डूबे, सिंक नहीं हो और हम लोग बच जाए, हमको इस टापू को छोड़कर जाना नहीं पड़े। When the island was about to sink, love also decided to leave. लेकिन जब टापू डूबने लगा तो मोहब्बत भी वहां से जाने की सोचने लगी। She could not construct a boat and thought of taking help from somebody. तो इतने कम समय में वो अब नाव नहीं बना सकती थी, तो वो सोची कि किसी का मदद ले लेते हैं, अपने साथी परियों से मदद मांग लेते हैं। When love was about to leave, she found richness passing by in a grand boat. तो जब वो जाने के सोची तो सामने से देखी कि richness, धनी जो परी थी, जो धन की परी थी, वो
उसके सामने से बहुत बड़े नाव में जा रही थी. शी क्विकली कॉल्ड एंड रिक्वेस्टेड हर इफ शी कुड ऑल्सो कम अलोंग. उसने जल्दी से उसे पुकारा और कहा कि क्या वह भी उसके साथ आ सकती है. रिचनेस मेड ए सॉरी फेस. रिचनेस जो है एक दुखद चेहरा बना ली और रिप्लाइड दैट सिंस देयर वॉज लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द बोट सो देयर वॉज नो प्लेस फॉर लव. उसने कहा जो धन की परी थी उसने कहा कि उसके नाव में बहुत सारे सोने और चांदी और धन दौलत हैं तो उसमें अब प्यार के लिए कोई जगह नहीं है. लव फेल्ट सैड एंड डिसाइडेड टू वेट फॉर सम मोर टाइम टिल शी गेट समवन हुम शी कुड आस्क फॉर हेल्प. तो वो बहुत उदास महसूस की और फिर उसने फैसला किया कि कुछ देर और इंतजार करते हैं कि शायद कोई और दूसरा आके मदद कर दे. इन द मीन वाइल शी सॉ वैनिटी हु वाज आल्सो पासिंग बाय इन अ गॉर्जियस वेसल. लव फेल्ट एक्साइटेड एंड रिक्वेस्टेड वैनिटी कुड यू प्लीज हेल्प मी एंड टेक मी अलोंग. अभी ये इंतजार ही कर रही थी तो देखी कि घमंड की परी जो घमंडी परी थी वो सामने से जा रही थी. तो प्यार की परी जो थी वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई, बहुत उछलने लगी खुशी के मारे कि शायद ये मेरी मदद करे. तो उसने अपने एक्साइटेड में उत्साह में कहा वैनिटी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, क्या तुम मुझे अपने साथ ले सकती हो. वैनिटी आंसर नो. वैनिटी ने जवाब दिया कि नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ. एंड एक्सप्रेस्ड हर हेल्पलेसनेस और वो अपनी लाचारी बताने लगी. She told love that she was all wet and might mess up her boat. Love felt distress. तो उसने कहा कि वो अपने बोट में उसकी जो उसको जो है जगह नहीं दे सकती, वो हर तरफ से भींगी हुई है तो अपने बोट को खराब नहीं करेगी उसके लिए. मतलब कि प्यार की परी भींग गई थी जब वो डूबने लगा था तो घमंड की परी अपने घमंड में बोली कि मैं तुम्हारे लिए अपने बोट को खराब नहीं करूंगी. नेक्स्ट शी फाउंड सैडनेस हु वॉज क्वाइट क्लोज बाई. लव टुक ए साई ऑफ रिलीफ एंड रिक्वेस्टेड सैडनेस इफ शी कुड गो विथ हर. तो जब ये अभी दुखी ही थी कि सामने से देखी कि सैडनेस जा रही है, वो सैडनेस को पाती है उदासी को, तो उदासी को जो है वो बुलाती है. हु वॉज क्वाइट क्लोज बाई तो एकदम से बंद थी बिल्कुल. और लव टू के साइड ने आराम से एक लंबा सा सांस लिया और उसको लगा कि अब मेरी मदद हो जाएगी और उसने उसे उसके साथ जाने के लिए कहा. इफ शी कुड गो विद हर उसने पूछा क्या वो भी उसके साथ जा सकती है. तो सैडनेस ने कहा ओ नो. रिप्लाइड सैडनेस नहीं नहीं. बिकॉज शी वॉज सो सैड शी फेल्ट लाइक स्टेइंग बाई हर सेल्फ. वो इतनी उदास थी, उदास परी इतनी उदास थी कि उसने सोचा कि उसने कहा कि वो सिर्फ अकेले रहना चाहती है उदासी में, वो किसी के साथ अपना टाइम शेयर नहीं करना चाहती, वो किसी के साथ जाना नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो अकेले रहे. दिस चांस ऑफ रेस्क्यू वॉज ऑल्सो मिस. अब ये भी बचने का चांस उसका जो है मिस हो गया, उससे निकल गया उसके हाथ से. लव वॉज रियली रिपेंटिंग हर फेट एंड वॉज थिंकिंग वट वॉज दिस टाइम टू हैपन विथ हर, वेदर शी वुड बी ड्रॉन और वेट फॉर सम डे वेन शी वुड रिसीव सम हेल्प. तो लव जो है वो अपने आप पर अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगी. वो सोच रही थी कि अब वो उसके किस्मत में जो होगा वो होगा, अब वो इंतजार करेगी या तो डूब जाएगी या फिर कोई आकर उसको बचा लेगा. अनएक्सपेक्टेडली बिना उम्मीद के अचानक से लव कुड हियर सम मिलूडियस ट्यून. शी वॉज सरप्राइज हु कुड बी सिंगिंग इन दिस मोमेंट एंड जस्ट देन शी फाउंड हैप्पीनेस पासिंग बाय. तो उसने अचानक से एक नाउमीद बिना किसी सोच के अचानक से सुना कि एक बहुत ही सुंदर सी आवाज में कोई गाना गा रहा है तो वो सरप्राइज हो गई, आश्चर्य करने लगी कि इस हालत में जब के सब चीज डूब रहा है ऐसी हालत में कौन गाना गा सकता है, कौन खुश रह सकता है इतना. तो देखा कि हैप्पीनेस परी आ रही है, हैप्पीनेस परी उसके सामने से जा रही है. तो शी वॉज सो हैप्पी दैट शी डिड नॉट इवन हियर व्हेन लव कॉल्ड हर. तो वो इतनी खुश थी, खुश परी जो है खुशी परी इतनी खुश थी कि
और वो इस परी का, मोहब्बत वाली परी का, प्यार वाली परी का आवाज भी नहीं सुन सकी। ये पुकारती रही लेकिन वो अपने धुन में मगन गाते हुए आगे चली गई। सडनली लव हियर्ड अ वॉइस, अचानक से प्यार ने एक आवाज सुनी, कम कम आई विल टेक यू, कम अलोंग, आओ आओ मैं तुमको लेके चलूंगी, चलो हमारे साथ चलो। लव वॉज ओवर हेवेल्ड एंड फेल्ट सो ब्लेज एंड ओवर जॉयड दैट शी इवन फॉरगॉट टू आस्क वेयर दे वेर गोइंग एंड डिड नॉट सी हू इट वॉज। तो इतने में एक आवाज जब आती है तो जल्दी से इतनी खुश होती है लव परी, प्यार वाली परी, कि वो जल्दी से उनके साथ उनके बोट में, उनकी नाव में सवार हो जाती है। और इतना खुश होती है कि वो ये भी नहीं पूछती है उनसे कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कौन लोग हो, वो देखती भी नहीं है, जल्दी से कूद के अपने जान बचाने के लिए उनके बोट में वो पहुंच जाती है। बट शी कुड सेंस द वॉइस वॉज ऑफ एन एल्डर, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल महसूस कर सकती थी कि आवाज जो थी वो किसी बड़े आदमी की थी, उससे कोई बड़ा था, एल्डर था। फाइनली दे अराइव्ड ऑन अनदर लैंड, अच्छा उसके बाद से अंत में वो एक दूसरे लैंड में पहुंच गए। द एल्डर वेंट हर ओन वे इन ए हरी, तो बड़े लोग अपने अपने रास्ते चले गए जल्दी जल्दी। लव फेल्ट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द एल्डर, लव जो था प्यार, प्यार वाली परी, वो अपने एल्डर्स के लिए, अपने बड़ों के लिए बहुत ही ग्रेटफुल महसूस कर रही थी, बहुत ही थैंकफुल महसूस कर रही थी, उनका बहुत ही शुक्रगुजार हो रही थी, धन्यवाद कर रही थी। लव देन सॉ नॉलेज अनदर एल्डरली इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड एंड आस्क हिम सरप्राइजिंगली, लव ने अचानक से नॉलेज को, बुद्धि को देखा और फिर उसने पूछा कि बिल्कुल आश्चर्य से उसे पूछा, हू हेल्प मी, मुझे किसने मदद किया। आई वॉज सो इनग्रॉस्ड दैट आई कुड नॉट इवन रियलाइज व्हाट वॉज हैपनिंग एंड हू रेस्क्यूड मी, मैं इतनी मगन हो गई कि मैं देख भी नहीं पाई, मैं सोच भी नहीं पाई, मैं रियलाइज नहीं कर पाई, मैं जान नहीं पाई कि मेरी मदद कौन कर रहा है, मुझे कौन रेस्क्यू कर रहा है, मुझे कौन बचा रहा है। नॉलेज एंसर, बुद्धि ने जवाब दिया, इट वॉज टाइम, वो समय था। लव वॉज अमेज्ड एंड थॉट, प्यार बहुत ही आश्चर्य किया, हैरत किया और सोचा, टाइम, व्हाई शुड टाइम हेल्प मी, समय, समय मेरी मदद क्यों करेगा। नॉलेज स्माइल्ड एंड डीप विजडम एंड रिप्लाइड, नॉलेज स्माइल्ड विथ डीप विजडम एंड रिप्लाइड, बिकॉज ओनली टाइम इज कैपेबल टू अप्रिसिएट हाउ वैल्यूएबल लव इज। नॉलेज जो था, बुद्धि, मुस्कुराया विथ डीप विजडम एंड रिप्लाइड, बहुत ही समझदारी से मुस्कुरा के और उसने कहा कि क्योंकि, बिकॉज सिर्फ समय ही उस लायक है जो किसी की वैल्यू की, किसी की कीमत की सराहना करता हो या उसकी वैल्यू या उसकी कीमत को समझता हो। लव डज नॉट मेक द वर्ल्ड गो राउंड बाई मेक्स द राइट वर्ल्ड वर्थ वाइल, कह रहा है कि प्यार जो है दुनिया को गोल गोल घुमाता तो नहीं है, प्यार ने, प्यार ही के कारण दुनिया घूमती तो नहीं है, लेकिन दुनिया को घूमने का या दुनिया में रहने का, जिंदगी का एक अच्छा कारण, एक अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण कारण बनाता है। अगर प्यार नहीं है तो फिर जिंदगी बेकार है, जिंदगी किसी काम की नहीं है। जिसके मन में किसी के लिए प्यार नहीं है उसकी जिंदगी किसी काम के लिए नहीं है। Thus, love is very precious and important in our life. इसलिए प्यार हम लोगों की जिंदगी में बहुत कीमती है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। While time only can make us feel and the value of time should always be respected. और जबकि समय ही उसको एहसास कराता है हमें कि हमारे लिए प्यार कितना जरूरी है और कितना काम आ सकता है, कितना कीमती है, और उसकी इज्जत करना भी समय ही सिखाता है। तो हमें समय की भी बहुत इज्जत करनी चाहिए। इफ यू हैव लव फॉर अदर्स, अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए प्यार है, इट डज नॉट मैटर हाउ मच एनीथिंग एल्स यू हैव, तो इसका और सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि बाकी सारी चीजें तुम्हारे पास है या नहीं है। अगर तुम अपने
साथियों से, अपने दोस्तों से और लोगों से बहुत प्यार करते हो तो तुम्हारे जिंदगी बहुत ही सार्थक है। यही जिंदगी का सार है, आपका जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम अपने जिंदगी से ये सीख सकते हैं, या इसका हानि से ये सीख सकते हैं कि हमारे जिंदगी में प्यार और समय कितना महत्वपूर्ण है और हम एक दूसरे को प्यार कैसे कर सकते हैं और किसी से भी नफरत नहीं करना चाहिए। मदद के टाइम पे, मदद के समय में अगर किसी को जरूरत हो तो हमें मदद करनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और एक साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना चाहिए। अब इस कहानी के आगे जो है आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये आपको खुद से कर लेना है, इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा।